कभी एक जमाने में साथ साथ दिखने वाले, एक दूसरे का कभी न साथ छोड़ने का दावा करने वाले प्रेम ऐसा नीतीश कुमार के घर में रहा करते थे। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर काफी अखर रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की आंख का काटा बन गए हैं। बिहार में उनकी वजह से काफी असुरक्षित महसूस करते दिख रहे हैं नीतीश कुमार। तभी तो जब भी प्रशांत किशोर का जिक्र होता है वैसे ही बौखला से जाते हैं नीतीश कुमार। नहीं विश्वास होता तो देखिए, छोटा सा सवाल और है। सुन लीजिए, बता देते हैं नीतीश कुमार के क्या। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका एगो धंधा। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहे करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। सर, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड वंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या तीन दिनों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या सब सुना आपने। नाम भर से ही बौखला जा रहे हैं नीतीश कुमार, कह रहे हैं आप कृपा करके उनके बारे में हमसे मत पूछा करिए, और उसके बाद भी प्रशांत किशोर के खिलाफ ही बोले चले जा रहे हैं। इसे प्रशांत किशोर का पब्लिसिटी स्टंट कराते रहे हैं, उस बात को भी दोहरा रहे हैं कि किसी जमाने में कितना मानते थे प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा रहे हैं। अब जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह का बयान आया तो फिर प्रशांत किशोर ने भी दे दिया है खुला चैलेंज प्रशांत किशोर की तरह पब्लिसिटी कमाने का। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार भी उनकी तरह सड़क पर घूमे और वो भी कमा लें पब्लिसिटी। मतलब टक्कर कांटे की है। बिहार चुनाव के लिए काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं प्रशांत किशोर ने। इस बार लगता है जैसे हवा का रुख नीतीश कुमार की तरफ से मोड़ लेने की ठान ली है, और उनकी इस कोशिश से घबराहट नीतीश कुमार के मन में जिस तरह की है वो साफ देखी जा सकती है। नीतीश कह भले ही लें कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में फर्क पड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। ऐसा कि प्रशांत किशोर का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार की झुंझलाहट भी इसलिए ज्यादा दिखी क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनको लेकर बयान ही कुछ ऐसा दे दिया था। नीतीश कुमार स्वयं 17 साल के उनके मुख्यमंत्री के काल में करीब करीब 14 साल भाजपा के साथ रहे हैं। अभी एक महीना पहले उन्होंने भाजपा को छोड़ा है और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पर एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं वो जदयू के MP हैं, और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक MP राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि अभी नीतीश रुके नहीं हैं, अभी नीतीश कुमार फिर पलटेंगे और फिर NDA गठबंधन में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वो अभी भी NDA से अपना एक सूत्र बांधे हुए हैं। हालांकि उनके इस दावे में कोई सच्चाई है या फिर उनके ऐसा कहने की कोई और वजह है वो तो प्रशांत किशोर ही बेहतर जानते होंगे। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में BJP के साथ अपनी पार्टी के संबंधों को तोड़ा है। बिहार में RJD कांग्रेस वाम गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भगवा पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए काम करने की कसम भी खा ली है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वो एक संयुक्त विपक्ष बनाकर
बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उसके लिए दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली के खूब चक्कर काट रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने किए वादे और दावों में आखिर कितना कामयाब हो पाते हैं। वैसे आपके हिसाब से नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर से बौखलाए रहने के पीछे की वजह क्या है? आपके हिसाब से क्या सच में नीतीश कुमार जैसे दिग्गज चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर से घबराए हुए हैं, जो कि बिहार में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।